जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube स्टूडियो में। हमारे मित्र और मेहमान आज फिर पधारे हुए हैं कल के प्रेडिक्शन के लिए। कल भारत फाइनल खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आइए, आज स्वागत है। धन्यवाद। अरे ये बड़ी जर्सी वाले लेके आए हैं, क्या है कल के फाइनल की तैयारी है क्या? क्योंकि अब इतने 20 सालों बाद एक मौका आया है और बढ़िया ऑस्ट्रेलिया के साथ वो भी, और 2011 के बाद बहुत इंतजार के बाद, लगभग 12 सालों के इंतजार के बाद ऐसा मौका आया है। निश्चित रूप से कल आप सब लोग फाइनल के लिए तैयार है, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह के पिच है वहाँ अहमदाबाद में, क्या माहौल है, क्या रहेगा, और उसके बाद फाइनल अगर जीतेंगे तो किस तरह का फिर माहौल रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या है कल अहमदाबाद का माहौल? फिर अहमदाबाद का माहौल लगभग वानखेड़े की ही तरह है, थोड़ा सा मतलब कह रहे हैं कि पिच जैसे कि स्लो होती जा रही है, तो मतलब एक स्पिनर के साथ शायद इंडिया टीम एक्सपेक्ट कर रही है कि एक स्पिनर को और खिला सकते हैं। निश्चित रूप से अहमदाबाद का माहौल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशनुमा है। सारे फैन, सारे क्रिकेटर जिनके पास टिकट है, जिनके पास नहीं है, वो भी पहुंच चुके हैं। बाहर से कुछ लोग देखेंगे, फैन पार्क भी बनाए जाएंगे, तो अहमदाबाद का माहौल बहुत खुशनुमा है। और भारत की तैयारी, भारत की तैयारी के बारे में क्या कहेंगे? है तैयारी इस बार भारत की? तैयारी तो मतलब वर्ल्ड कप के पहले मैच से दिख रहा है कि इस बार हम लोग ट्रॉफी उठाने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत ही आश्वस्त है भारतीय टीम के, जिस तरह से भारत ने 10 में 10 जीत हासिल की है, उसमें आश्वस्त दिखना ही चाहिए। तो अभी थोड़ा सा गेम प्लान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कौन कल परफॉर्म करने वाला है, कौन कितना एक्सपेक्ट करने वाला है। उसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, एक बहुत दुख वाली खबर हमारे लिए रहती है। एक अंपायर, कौन है अंपायर? रिचर्ड कैटलबरो। कैटलबरो साहब है भाई, वो बहुत सारे मोमेंट में वो हमारे साथ रहे, हारने में खासकर। कुछ मोमेंट आपको याद है कौन कौन से? अब देख लिए, चैंपियंस ट्रॉफी से स्टार्ट किया है उन्होंने, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का, फिर जो वो अपना T20 सेमीफाइनल था वेस्ट इंडीज से हार गए, फिर हम 2015 का वो सेमीफाइनल कैसे भूल सकते हैं, फिर सबसे ज्यादा दुखदाई तो 2019 का सेमीफाइनल जो न्यूजीलैंड के, अरे भाई, और फिर लगातार आप ये वर्ल्ड कप का जो टेस्ट का वो हुआ था उसमें वो हमारे साथ हार में रहे हैं। तो मतलब एक जो कड़ी थी जिसकी मतलब सेमीफाइनल में डर था, वो आके फाइनल में मिल रहे हैं। जो दर्शक उन पहचानते नहीं हो ना अंपायर को, कृपया करके सर्च कर लीजिएगा, कैटलबरो साहब है, बहुत बार हमारे साथ रहे, खासकर हार में 2014 के शायद फाइनल T20, वहां से उनकी शुरुआत हो रही है और अभी तक चले आ रहे चैंपियंस ट्रॉफी और हर जगह। तो आपको क्या लगता है कि उनके रहने या न रहने से क्या मतलब फर्क पड़ेगा? रहेंगे तो भी जीतेंगे, फिर वो इस बार अपने ऐतिहासिक जो उनका रिकॉर्ड चला रहा है उसको तोड़ पाएंगे इस बार? नहीं, मतलब ये एक व्यक्ति के उससे नहीं कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से हम लोग हार रहे हैं। भाई अगर आप उस दिन अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ना आता तो। अब ऐसे तो मतलब कह दें कि ग्राउंड पर उस दिन दर्शक ही ना जाए तो फिर ये तो बहुत बड़ी वो बात है। निश्चित रूप से उनके उपस्थिति में बहुत सारे मैच जीते भी होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग उसी को याद करके रखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ मतलब वो थे और हारे हैं। और बहुत हमारे साथ पॉजिटिव पॉइंट यही है कि हमारे साथ बने रहते, खड़े रहते, हर बार मौका देते हैं, ये अच्छी बात है। इसलिए आप कैटलबरो साहब की टेंशन मत लीजिए, आप अपने दिल से फैन बनके और बढ़िया सपोर्ट करें। जो भी आपके इष्ट देव हो, देवता हो, अल्लाह हो, सब अपने तरफ से पूरा झोंक दीजिए भाई दुआओं के लिए। कैप भाई के उसमें बंदे बहुत बहुत खतरनाक, मतलब कहे तो बंदा बहुत खतरनाक खेल रहा है, तो उस तरह का मतलब जो इंडिया की तैयारी है ना, तो इंडिया जबरदस्त फॉर्म में लग रही है, इरफान के शब्दों में। कमाल की इस बार दिखी है भारतीय टीम। तो अभी हम चर्चा करेंगे कल क्या है भाई, अगर अहमदाबाद में भारतीय टीम टॉस जीतती है, टॉस हारती है, इसमें क्या होगा? उसके बाद बीच में हम बात करेंगे, बहुत बड़ा पॉइंट है, आपसे भी राय लिया जाएगा कि आर अश्विन जिनके बारे में काफी चर्चा हो रही है, बहुत जानकार, बहुत लोग बता रहे हैं कि आर अश्विन को शामिल करना चाहिए। फिलहाल हम ये बात कर लेते हैं कि कल अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है तो भारत को क्या करना चाहिए, फील्डिंग या बैटिंग? मैं तो कहूंगा कि पहले आप बैटिंग करिए, स्कोर बोर्ड पर रन लगाइए, फिर ऑस्ट्रेलिया को चेज करवाइए, क्योंकि सेमीफाइनल में आप उनको देख चुके हैं कि वो फंसते नजर आए हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है सुमन गिल के लिए, खास कर अहमदाबाद के ग्राउंड, तो कितना स्कोर सेफ रहेगा, क्योंकि अहमदाबाद में हमने देखा ज्यादा हाई स्कोर नहीं बनते हैं। अगर इंडिया मतलब 280 पार कर जाती है तो मान लीजिए कि हम एक सेफिंग जोन में, लेकिन अगर जो 300 का वो टैग लगता है कि 300 रन बन गए हैं,
तो उसका दबाव अलग रहेगा। तो मैं इंडिया से एक्सपेक्ट करूंगा कि 310 अगर बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 320 आप उससे और आगे करिए, नहीं तो 1-300 का जो आंकड़ा है उसको टच करिए पहले। कल का प्रेडिक्शन क्या है, कोई तीन बल्लेबाज जो 50 रन स्कोर करेंगे? कल तो आप मान लीजिए रोहित के बैट से रन आ रहे हैं, सुमन गिल के बैट से रन आ रहे हैं, फिर आप विराट कोहली से एक्सपेक्ट करिए कि हाँ रन आ रहे हैं। उनका तो 51वां शतक आ रहा है क्या कल? कल हाँ, इतना बड़ा मौका है तो मैं तो कहूंगा कि हाँ कल उनका 51वां शतक आना चाहिए। तो फिर मतलब आगे जो बल्लेबाज के एल राहुल और सूर्य कुमार को आप मौका ही नहीं देना चाहते? सूर्य कुमार बना देंगे। अब श्रेयस अय्यर जो उन्होंने 63 में 100 रन की पारी खेली है, अब उसका फायदा यहाँ उठा के वो 27 में कम से कम डबल बनाए उसके। तो एडम जंपा की अगर पिटाई होने वाली है क्या? हाँ कल तो एडम जंपा लगभग रडार में रहेंगे, फिर उनके जो मतलब काम चलाऊ वाला है मैक्सवेल उनको भी रडार में ले सकते हैं श्रेयस अय्यर। तो खिलाड़ी श्रेयस अय्यर ही हो सकता है भाई, स्पिन की एबिलिटी है जो खेलने के लिए कितनी शानदार है, आप सबने देखा है पिछले मैच में और बहुत सारे गेम में दिखा चुके हैं श्रेयस अय्यर। तो हम यही उम्मीद करेंगे भारतीय टीम कल बढ़िया स्कोर जड़े, अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है और पहले गेंदबाजी अगर करती है तो क्या होने वाला है? अगर पहले गेंदबाजी करती है तो मैं तो मानूंगा कि आप 260-270 पर रुकिए ऑस्ट्रेलिया को, फिर एक शुरुआत में जो पार्ट अपने ओपनर हैं विराट को मतलब सुमन गिल और रोहित शर्मा, ये कम से कम एक मतलब संतुष्टिजनक स्टार्ट दें कि मतलब 70 रन कर जाएं या 60 रन से, अगर 100 रन की पार्टनरशिप होती है तो वो बहुत बेहतरीन होगी, लेकिन मतलब इनको कल सोचना चाहिए रोहित शर्मा को कि अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो कम से कम 70 रन का स्कोर करें। मुझे याद आ गया इस बार जो विराट कोहली और रोहित शर्मा इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ल्ड कप है, शायद कुछ लोग कहना ये भी है कि लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है, तो इन लोगों का जो कॉम्बिनेशन बना ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे कि क्यों आखिर रोहित शर्मा पारी खेल पाते हैं इंग्लैंड के साथ? रोहित शर्मा को पता है कि अगर मैं जैसे खेल रहा हूं अगर मैं आउट भी हो गया तो विराट कोहली मतलब पारी को चला ले जाएंगे, लेकिन अगर उनको पता है कि अगर मैं 60-70 रन बना दिया तो वो तो ठीक ही है, लेकिन भाई अगर आउट भी हो गया तो अब वो दिक्कत नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में मतलब हमारा बैट्समैन लास्ट तक ले जाने वाला नहीं है, ये बात निश्चित रूप से। इस बार विराट कोहली के रोहित शर्मा है और रोहित शर्मा के विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली थोड़ा टाइम लेते हैं तो उसका भरपाई रोहित शर्मा पहले पूरी कर देते हैं, और रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली एक वो बन के बैकअप के रूप में है। तो निश्चित रूप दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छे खेले हैं, सुमन गिल से वो कल खूब उम्मीद रहेगी। अब हम एक सवाल पे आते हैं, थोड़ा सा शमी पे चर्चा क्या करें, बहुत ही कोई चर्चा करने लायक है ही नहीं क्योंकि इतना चर्चा उनकी हो चुकी है, इतनी चर्चा हो चुकी है भाई, बेमिसाल है वो खिलाड़ी। शमी कल क्या कुछ फिर से दिखाएंगे भाई अपना? हाँ शमी का जलवा तो कल दिखने वाला है, मैं मानता हूँ कि अगर कितना भी कम रहा तो 3 विकेट उनको मिलने वाले हैं निश्चित रूप से। आईपीएल की वो टीम से खेलते हैं गुजरात से, उनका होम ग्राउंड रहता है और अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। अभी फिलहाल हम बात करेंगे एक जो बहुत ज्यादा इस बार चर्चा का अभी विषय है फाइनल मैच के लिए, आर अश्विन को आप कैसे देखते हैं? आर अश्विन को खिलाना चाहिए प्लेइंग 11 में कि नहीं खिलाना चाहिए, आप क्या बोलेंगे कल के लिए? अभी मैं तो जितने मैच इस वर्ल्ड कप में देखा हूं तो वो एक मैच खेले हैं, अगर एक मैच को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने 9 मैच नहीं खेला है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप प्लेइंग 11 के साथ छेड़छाड़ मत करिए, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा एकदम से पिच का पता है कि एक मतलब स्पिनर मदद कर सकता है तो फिर आप आर अश्विन को खिला सकते हैं। तो आर अश्विन किसकी जगह बन रहे हैं, मतलब अगर खिलाना चाहे दो ही स्पॉट खाली है, या तो आप सिराज को बिठाएंगे क्योंकि शमी और बुमराह के साथ कोई छेड़खानी करना नहीं, तो या तो सिराज या फिर वहाँ सूर्य कुमार यादव, तो कहाँ पे आप फिट करेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि सूर्य कुमार यादव को खिलाइए, अगर आपको खिलाना ही तो फिर सिराज को आप बैठा सकते हैं क्योंकि फिर शमी को नए बॉल से बॉलिंग करने का मौका मिलेगा वहाँ पर भी। बढ़िया, लेकिन अभी तक जो कॉम्बिनेशन रहा है कि सिराज और शमी जो है, सिराज और बुमराह शुरू में बॉलिंग करते हैं बाद में फिर शमी आके बढ़िया गेंद को चलाते हैं, तो मुझे तो लोग कहते हैं जरूर, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि छेड़खानी करनी चाहिए, क्योंकि छेड़खानी करने पे कहीं ना कहीं जो तिकड़ी जो अभी एक ही है कि हमारे पास एक बॉलर नहीं चला दूसरा चल जाएगा, सिराज ऐसे बॉलर हैं जैसे एशिया कप में फाइनल में हमने देखा है कि उन्होंने एक तरफा जैसा लोग मीम्स डाल रहे थे कि पकौड़े के लिए हमने भीषण घोला ही था उतने में ऑल आउट, तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, सिराज के पास है एबिलिटी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास 3 आप देख रहे हैं कि फास्टर है, तो आप उनके साथ सिर्फ एक ही स्पिनर जा रहा है, तो आप भी मतलब ये आप क्योंकि आपके पास 2 रेगुलर स्पिनर हैं
तो आप अगर इस टीम के साथ एकदम खेलना चाहेंगे तो ये परफेक्ट है प्लेइंग 11, इसके साथ छेड़खानी ना करें तो बहुत ही अच्छा है। निश्चित रूप से भारतीय बहुत सारे फैन होंगे, अश्विन के भी फैन होंगे, लेकिन भाई खेलना ही 11 लोगों को है इट्स, बट अगर भारतीय टीम पहली बार तो हारने वाली नहीं, अगर हार जाए तो फिर ये मत कहिएगा इनको नहीं खिलाए इनको नहीं, क्योंकि अगर हार भी जाए या फिर कुछ भी होता है रिजल्ट, ये हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय फैंस को और सभी दर्शकों को संतुष्ट होना चाहिए जो टीम मैनेजमेंट करेगा, फिर कमेंट और ट्रोल नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बाद में अगर मान लीजिए अश्विन को खिलाते हैं या फिर नहीं खिलाते, फिर देखना उसी में बनेंगे भी। ये जो देखिए, अगर एक खिलाड़ी के उस दिन खेलने से अगर डिसाइड हो जाए तो मैं तो ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि भाई प्लेइंग 11 जो खेल रहा है, 10 मैच खेला है कंटिन्यू और वही प्लेइंग 11 अभी तक प्रदर्शन किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस मैच में उसको नहीं खिलाया गया तो मतलब उसकी वजह से टीम हार गई। भाई उस दिन मतलब उसकी डिमांड शायद ना रही हो इसलिए, और फिर ये नहीं कह सकते हैं कि हर दिन हर बंदा मतलब प्रदर्शन ही करके देगा, इसलिए जो टीम खेल रही है उसके साथ हमको रहना चाहिए कि उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हार या जीत तो एक मतलब उस दिन की बात है कि उस दिन किसका बैट या बॉल चलती है वो अलग बात है। तो भाई सब हम लोग भी सबकी दुआएं हैं, सबकी प्रार्थनाएं हैं कि भारतीय टीम कल जीतेगी ही जीतेगी, जिस तरह खेल दिखाया है, जिस तरह खेला है अभी तक, एक तरफा खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम को भी कहीं ना कहीं डर है, और ये रिकॉर्ड मोटेरा का पिच मुझे याद 2011 में क्वार्टर फाइनल में जीते थे, युवराज सिंह ने विनिंग शॉट लगाया था, तो क्या इस बार भी मतलब ज्यादातर चांस है जीतने के? हाँ पूरे चांस है, क्योंकि मोटेरा में हम लोग हरा चुके हैं, और मतलब उसमें मैं भी देखा था कि ब्रेटली मतलब उस समय थे रिकी पोंटिंग थे और ब्रेटली के बाल भी लग गई थी, तो मतलब चोटिल हो गए थे, तो फिर ये एक अपने पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर उसमें हम लोग चेज करते हुए जीते थे तो ये नहीं है कि इंडिया टॉस हार जाएगी तो पीछे बैटिंग करने को मिलेगी एक दबाव बनेगा, दोनों एबिलिटी है, लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि आप पहले बैटिंग करिए। कितना भारतीय दर्शकों का सपोर्टर्स का कितना योगदान रहता है क्रिकेट में? देखिए क्रिकेट में जो एक सपोर्ट का बहुत अहम योगदान रहता है, क्योंकि आप छोटे मैच में देख लीजिए, अगर गांव गली क्रिकेट में देख लीजिए, अगर देखने वाले हैं तो वहां पर जो खिलाड़ी खेलते हैं उनका ये रहता है कि मैं अब खुद अपने लिए खेलूंगा या और अपने टीम के लिए खेलूंगा, तो जो एक दिल से आवाज आती है कि अच्छा खेलना है, वो इसका मतलब फायदा मिलता है दर्शकों के होने से। खूब सारा सपोर्ट करिए, उसमें भी दिखाता है हॉटस्टार में जब मैच देखते हैं उसमें दिखाता है 3 करोड़ 4 करोड़, उससे भी हॉटस्टार को फायदा होता है, उससे भी हौसला अफजाई होता है भाई। तो खेलते रहिए, देखते रहिए। फिलहाल एक खबर आई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, बाबर आजम को कप्तानी से मुझे लगता है हटा दिया गया है या उन्होंने रिजाइन कर दिया खुद? नहीं, जो जैसे मतलब उनका पाकिस्तान का प्रदर्शन रहा वर्ल्ड कप में तो थोड़ा सा दबाव बना होगा, तो बाबर समझते हैं कि वो तो ठीक ये रन बनाए मतलब अपने टीम के लिए, लेकिन जो मतलब उम्मीद थी वो नहीं कर पाए, इसलिए बाबर आजम ने स्वयं सोचा होगा कि मैं टीम के लिए खेलता रहूंगा लेकिन जो दूसरे मतलब नेतृत्वकर्ता हैं उनको दिया जाए मौका, ये है। टिम्बा का कुछ खबर है? टिम्बा का मैं मानता हूँ कि अब वो तो दक्षिण अफ्रीका का जो बोर्ड है तो मतलब उनको साथ T20 तक कंटिन्यू करना चाहेगा, या मतलब ये है कि मार्क राम को खिलाएं और किसी दूसरे को मौका दें, ये हो सकता है। कुछ आपके जहन में, कुछ आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हो, अगर पूछना हो दर्शकों से मुझसे तो आप बताइए। दर्शकों से मेरा यही एक सवाल है कि आप ये बताइए कि आपको विराट कोहली की ऐसी कौन सी सेंचुरी है जो या ऐसी कौन सी पारी है जो आपके जहन में एकदम चलती है? अभी मैं इस 50 और ये शतक की 49वें शतक की इसको छोड़ दीजिए, जो आप पुरानी पारी है। तो मेरे हिसाब से तो मैं गेस कर सकता हूँ, मुझे वो 183 वाली पारी याद, मतलब मुझे जहन में चलती है, श्रीलंका को वहां से मलिंगा की जब पिटाई किए थे ना, मलिंगा के खिलाफ था कि पाकिस्तान के खिलाफ? मलिंगा को वहीं से जब पिटाई शुरू हुई तभी मलिंगा के मेरे दिमाग में, पर दर्शकों के कुछ और अलग हो सकते हैं बहुत, क्योंकि इतनी पारियां उन्होंने खेले बहुत सारे हो सकते हैं। अब एक सवाल मैं मतलब अपने दर्शकों के लिए क्रिकेट से कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्रिकेट का फादर किसे कहा जाता है ये। हाँ, क्रिकेट का फादर किसे कहा जाता है? मेरी तरफ से भी है कि भाई वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है तो पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया, ये भी एक सवाल है। अगर क्रिकेट के प्रेमी आप, क्रिकेट लवर है, तो ये सवाल आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे कब से आ गया। ऑप्शन हम नहीं देंगे, आप सर्च करिए, फिर अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से करिए। तो कल के फाइनल के बाद हम लोग मिलेंगे, फाइनल का एनालिसिस करेंगे, देखते हैं पटाखे फोड़ने का हम लोग को मौका मिलता है, जश्न मनाने का मौका मिलता है। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है,
बढ़िया अपने फैमिली के साथ जहां भी आप रहते हैं माहौल बना के मैच देखिए और भारतीय टीम को सपोर्ट करिए और एक हिस्सा बनिए ऐतिहासिक पल का। हार होती है जीत होती है तब भी ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि भारतीय टीम अगर फाइनल तक पहुंची है ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खेल के दो पहलू, अगर हार होती है जीत होती है तो भी चलेगा, लेकिन आप ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनिए और एंजॉय करिए। बढ़िया, घर में सुरक्षित रहिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।